नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। रीवा जिले में खाद की किल्लत झेल रहे किसानों को एक और नई मुसीबत शासन ने खड़ी कर दी है। यह मुसीबत प्रशासन की लुंचपुंज व्यवस्था का ही एक नतीजा है। किसानों ने बताया कि समितियों में यह शर्त रख दी गई है कि किसान अपनी ऋण पुस्तिका को लेकर खाद खरीदने आए, लेकिन ऐसे किसान जो कृषि लोन लेते हैं, जिनके ऋण पुस्तिका बैंकों में रखी होती है, वह ऋण पुस्तिका लेकर कैसे पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की मंशा है कि खाद सिर्फ किसानों को मिले, बिचौलियों के द्वारा खाद खरीद कर किसानों को महंगे दामों में ना बेचा जा सके, लेकिन प्रशासन की नासमझी के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों ने मांग की है कि समितियों में उनसे तुलाई के नाम पर जहां ज्यादा पैसा वसूला जाता है, वहीं निर्धारित मूल्य से भी ज्यादा वसूली की जाती है। कई बार मांग की जा चुकी है कि समितियों के रेट में सूची लगाने वाली शुल्क का विवरण पोस्टर बैनर में लगाया जाए, लेकिन प्रशासन इस तरह से कदम नहीं उठा रहा है, जिससे किसानों को एक तरफ जहां अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है, वहीं सेल्समैन अपनी तिजोरी भर रहे हैं। किसानों ने बताया कि लंबे समय के बाद जिले में खाद पहुंची है, लेकिन 5 बोरी से ज्यादा खाद नहीं दी जा रही, जिसे किसानों को अभी भी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही समितियों और करैया मंडी में खाद का वितरण शुरू हो गया है। आइए सुनते हैं किसानों का क्या कहना है। अपने पास आधार कार्ड और पुस्तिका अनुदान रूप से लेके आए, खाद विक्रय केंद्र यहाँ पे करैया। हम चाहेंगे कि भाई साहब दिखलाएं कि यहाँ पे ट्रकों में लदी है खाद, हमारे किसान लाइन में लगी हुई है और पुलिस खाद बंटवा रही है। ये है हिंदुस्तान, ये है मामा की सरकार, ये है मामा की सरकार, ये है हिंदुस्तान। किसानों को ये कह रहे हैं, किसान हमारा आसमान में जा रहा है, किसान को ये जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक ने लगातार तुगलकी आदेश जारी किया है कि जिन किसानों की जमीन कहीं मॉर्गेज है, उन्हें सोसाइटियों से खाद नहीं मिलेगी, ना वो सोसाइटियों से खाद देते हैं, ना किसानों के शेयर लौटाते हैं। एक तरफ सहकारिता मंत्रालय बनता है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, रीवा जिले के प्रत्येक 148 सहकारी समितियों में खाद पहुँचाई जाए, जितने भी धान खरीदी केंद्रों पे बैनर लगाए जाएं, किसानों को तोल के नाम पर कितने रुपए देने हैं, हर खरीदी केंद्रों में खाद डब कर आई जाए, किसान धान लेके आए और खाद लेके जाए, नहीं तो हर किसान एक एक विधायक और संसद का घेराव करेगा। बेटियां भी आज हमारी खाद लेने यहाँ आई हैं, सोचिए आप कहाँ से आने बेटा अपना जी, रहट से कितनी देर आए हैं अपना यहाँ, 7 बजे से आने, खाद नहीं मिल रही है अपना भाई, कई बजे आने, 4 बजे से लगे हैं साहब, 4 बजे से, 4 बजे से लगे हैं काम के लिए, घर से 2 बजे चले नहीं है ना, 4 बजे पहुँचे ने। नाम बताइए अपना, पढ़ावा क्या है अपना बेटा, किसानों को खाद नहीं मिली थी, सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे, आज भी किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, किसानों ने हमें फ़ोन में बतलाया और हम भी मंडी पहुंचे, वहां पे SDM साहब सब लोग पहुंचे और किसानों को उन्होंने खाद बंटवाने की व्यवस्था की। पहले किसानों को नगद में खाद देने की का नहीं दी जा रही थी, आज किसानों को खाद नगद में दी जा रही है, लेकिन सिर्फ 5 बोरी एक किसान को दी जा रही है। आप सोचिए, महीनों बाद खाद आई है और किसान 5 बोरी ले जाके आधा खेत बोए जाएंगे, आधे खेत रह जाएंगे। वहीं धान की खरीदी केंद्रों में किसानों को कई बार हमने शासन से मांग की कि 1 बोरी में तौल कितनी होनी चाहिए, 1 बोरी 1 क्विंटल तौल के कितने पैसे किसानों से लेना चाहिए, इस आशा के बैनर लगाए जाएं, लेकिन हमने आज मंडी में देखा कहीं भी बैनर नहीं लगाए गए हैं। 1 बोरी में 40 किलो 700, 800, 900 ग्राम धान तौली जा रही है और किसानों ने बताया कि धान के तौल के नाम पर हमसे 13 रुपये पर क्विंटल लिए जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हर खरीदी केंद्रों में बैनर लगाए जाएँ कि किसानों को आखिर कितने पैसे तौल के नाम पर, ट्राली से उतारने के नाम पर या ढेरी बनाने के नाम पर देना है। दूसरी बात, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किसानों को प्रत्येक सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध कराई जाए और किसानों को अगर हो सके तो खरीदी केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में खाद रखी जाए, किसान धान लेके आएं और खाद लेके जाएं। हमारे यहाँ बेटियाँ भी आज दिखीं और उन्होंने कहा कि हम भी 4 बजे से आके यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और एक और है कि यहाँ आदेश जारी हुआ है कि ऋण पुस्तिका लेके आएँ, तो केंद्रीय सहकारी जितने भी बैंक हैं किसानों के KCC में, उनकी ऋण पुस्तिकाएँ बैंकों में हैं, तो बैंकों से जिला प्रशासन उनकी किसानों की ऋण पुस्तिका दिलवाए, तब ना किसान ऋण पुस्तिका लेके आए और खाद लें। तौल जो हो रही है धान खरीदी में, तो किसानों से
जो तौल है धान की, तो 40 किलो 700 ग्राम 800 ग्राम ली जा रही है, वहीं किसानों से तौल के नाम पर 13 रुपए पैसे लिए जा रहे हैं किसानों ने बतलाया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जितनी भी तौल आप निर्धारित करो, ढेरी बनवाई, ट्राली सुतारने, जो भी चीज़ हों, उनकी सबकी रसीदें दी जाएँ और हर केंद्रों में इस आशय के बैनर लगाए जाएँ। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।